एक तरफ विकास और आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अभियान, आम जनमानस को सुरक्षा की गारंटी देना, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, डबल इंजन की सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा, आप देख रहे होंगे, जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नोट खेत में पैदा नहीं हुए हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले ये अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। आपके कौशाम्बी जनपद में लगभग 50,000 परिवारों को एक एक आवास मिला है। ये 17 के पहले इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि 17 के पहले यही पैसा इन गरीबों का ये पैसा इन नेताओं की जेब में चला जाता था, जो आज इनकम टैक्स के द्वारा दीवारों से निकाला जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे। पहले सड़कें नहीं बनती थी, आज तो कौशाम्बी जनपद की हर सड़क चौड़ी हो गई, अच्छी हो गई, क्योंकि पहले 2017 के पहले सड़क का ये पैसा नेताओं की जेब में चला जाता था, सत्ताधारी नेताओं की जेब में जाता था। आज जब आपने आप ही के जनपद के लाल इस विभाग को देख रहे हैं, तो हर सड़क चौड़ी हो रही, अच्छी सड़क बन रही है। भाइयों बहनों, पहले गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन आज हर गरीब को फ्री में केवल राशन ही नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा भी हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और यही नहीं, आपने देखा होगा, कोरोना महामारी में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने यहां वैक्सीन लगाया है? वाह, आपका तो मैं अभिनंदन करता हूं सभी लोगों का। इधर के लोगों ने हाथ खड़ा करके नहीं बताया, कितने लोगों ने किया है? आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने वैक्सीन लिया है, लेकिन जो लोग अभी भी बचे हैं उनको जरूर वैक्सीन की डोज दिलवाइए। ये वैक्सीन कोरोना महामारी में कारगर साबित होगा, ये वैक्सीन कोरोना महामारी में बचाव का सर्वोत्तम उपाय होगा। और इसलिए वैक्सीन फ्री में है, जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे वे लोग मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे थे, वे लोग कोरोना से दोस्ती कर रहे थे, उनको गरीबों की चिंता नहीं थी, उनको प्रदेश के नागरिकों की और देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की चिंता नहीं थी। यही फर्क है भाइयों बहनों, जब उनको मौका मिला था वे कुछ नहीं कर पाए, और जब सत्ता से बाहर है केवल दुष्प्रचार का सहारा लेकर के जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।